बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। तुंग का मतलब होता है ऊंचाई। अरे सुन लो, जिसको सुनना है दूसरे को सुनो। बोलिए पंडित जी, सुन रहे हम। तुंग का मतलब होता है ऊंचाई से। यहाँ पे बाबा तुंगनाथ जी का जो नाम पड़ा है, ये मंदिर पूरे भारत वर्ष में सबसे ऊंचाई के शिवालय हैं। यहाँ की ऊंचाई 12,500 फीट है। ये मंदिर जब पांडव कालीन मंदिर है, जब पांडव लोग मोक्ष के लिए केदारखंड में आए थे, भगवान शिव ने पांडवों को गोत्रत्यार ब्रह्मत्यार दोष होने के कारण संपूर्ण शरीर का दर्शन नहीं दिया। भगवान शिव ने केदारनाथ में भैंसे का रूप धारण किया। केदार का मतलब होता है संस्कृत में दल दल। तो बाबा उस दल दल में समाहित हो गए, लेकिन उनके पृष्ठ भाग को पांडव लोगों ने स्पर्श कर लिया। वहीं पे उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया, आपको मोक्ष हो जाएगा इस केदार खंड में। हरिद्वार से ऊपर एक पूरा केदार खंड कहलाता है। बाबा केदार ज्योतिर्लिंग का स्थान है ये हरिद्वार से ऊपर। सबसे पहले केदारनाथ में बाबा के पृष्ठ भाग के लिंग दर्शन पांडवों ने किए। हम भी कर लेते हैं। दूसरे हैं मध्यमेश्वर, वहां पे भगवान का नाभि भाग का लिंग है। इन दोनों केदारों की जो 12 महीने पूजा होती है उखी मठ में हुआ करती है। वहां पे गद्दी स्थान है, 6 महीने के लिए ही मंदिरों के कपाट खुलते हैं। जहाँ विराजमान है बाबा तुंगनाथ जी में, भगवान केदारनाथ जी का मुख्य भाग तुंगनाथ जी में ही है। हृदय भाग, हृदय और बाहु रूप में बाबा के लिंग दर्शन होते हैं। यहाँ की गद्दी 30 किलोमीटर नीचे मक्कू मठ गाँव में, ये भी भगवान 6 माह ही दर्शन देते हैं। चौथे हैं रुद्रनाथ जी, भगवान के मुखमंडल का लिंग है गुफा के अंदर। और बाबा की गति है गोपेश्वर में, वहां 12 महीने पूजा होती है। और पांचवे है कल्पेश्वर, बद्रीनाथ के मार्ग में ये 2 केदार पड़ते हैं। जोशी मठ से पहले हेलंग एक जगह आती है, वहां भी गाड़ी जाती है। जो लोग बद्रीनाथ जा रहे हो तो कल्पेश्वर जा सकते हैं। कल्पेश्वर में 12 महीने खुला रहता है भगवान के जटा के स्वरूप का लिंग गुफा के अंदर। और जो मुख भगवान के नीचे निकल गए थे वो 4 मुख कहाँ हैं? नेपाल में पशुपतिनाथ, इसलिए वहाँ का नाम पशुपतिनाथ पड़ा। भगवान ने पशु का रूप धारण किया था। 4 मुख पशुपतिनाथ नेपाल में दर्शन होते हैं। ये केदार ज्योतिर्लिंग के इतने लिंग हैं। और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के उपरांत वहीं से स्वर्गारोहणी से पांडवों को मुक्ति प्राप्ति उन्होंने देह त्यागी 5,500 वर्ष पहले। उसके बाद हमारे मूर्ति पूजा को बौद्ध लोगों ने खंडित किया। उसके उपरांत 8वीं सदी में 1250 वर्ष पहले आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ केरल में कालडी ग्राम। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य स्वयं शिव के ही अवतार माने जाते हैं। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हमारे भारत के इन समस्त पौराणिक मंदिरों की खोज की, इन मंदिरों का निर्माण कराया और पूजाएं चलाई। और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को पहले तो 4 धाम बनाए। सबसे पहले धाम है बद्री धाम जोशीमठ हिमालय, दूसरे हैं द्वारिका, तीसरे हैं जगन्नाथपुरी और चौथे हैं रामेश्वरम। ये भारत के उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण में ये मंदिर स्थित हैं, चारों दिशाओं में। और इन जगहों में उन्होंने अपने शिष्यों को शंकराचार्य के रूप में उपाधिस्थ किया, ताकि वो हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाएं, वेद वेदांग विद्यालय खोलें और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। एक शंकराचार्य की जो पदवी होती है एक राष्ट्रपति के बराबर होती है, लेकिन वर्तमान के शंकराचार्य लोगों को हम कहना चाहते हैं वो राजनीति से न जुड़े, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। हर हर महादेव।
इस तरह से ये चार धाम हमारे भारत में हैं और सबसे ऊंचाई में होने के कारण बाबा का नाम तुंगनाथ पड़ा। पूरी भारत में इतनी ऊंचाई में कोई शिवालय नहीं है, अमरनाथ है, लेकिन वहाँ क्या है, गुफा है। बाबा शिव ने माता पार्वती को अमर कथा वहाँ सुनाई थी, इसलिए अमरनाथ प्रसिद्ध। तो इस तरह से ये हमारे सनातन धर्म के यहाँ के मातम के बारे में मैंने आपको बताया। तुंगनाथ जी में जो एक बार यात्री आता है, मैं 1990 से यहाँ पे पुजारी हूँ, मेरा अनुभव है कि जो एक बार यहाँ पर आता है, दो बार तो आता ही है गारंटी के साथ, और न जाने वो कितनी बार आता है। और कितनों को भेजता है, ये बाबा की महिमा है। आपका कल्याण हो, आप लोगों का दर्शन मंगलमय हो। अभी आधा घंटे के बाद आपके दर्शन होंगे, शांति से लाइन से सब लोग दर्शन करेंगे विधिवत। अभी मैं अंदर के दर्शन के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी चांदी की पंच केदार की प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। उधर से केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, पार्वती माता, छह मूर्तियां आपको दिखेंगी। उनके बीच में बाबा के स्वरूप के दर्शन, लिंग के दर्शन होंगे, हृदय और भुजा रूप में चंदन लगे हुए, पुष्प रखे हुए। उनके पीछे में दीवाल पे आपको आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान के दर्शन भी होंगे। आदिगुरु शंकराचार्य की दाहिनी ओर में दो छोटी प्रतिमाओं के आपको दर्शन होंगे, वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। उनके बाई ओर में आपको दर्शन होंगे भगवान शिव पार्वती तांडव नृत्य में, भगवान शिव जी का विराट स्वरूप। ऊपर दीवार पे आपको कुछ प्रतिमाएं दिखेंगी, वो भगवान की उत्सव मूर्तियां हैं जो डोली में 6 मास यहाँ पे आती हैं और गद्दी में जाते हैं। बाबा के लिंग को 6 मास के लिए पुष्प फूल चावल वस्त्रों से ढक दिया जाता है और पट खुलने के ऊपर समय में वही सभी भक्तों को प्रसाद में वितरित किया जाता है। तो ये बाबा के दर्शन के बारे में मैंने आपको बताया। बाहर में आप माता पार्वती, पंच केदार, पंच पांडव, भैरवनाथ, पीछे में भगवान क्षेत्रपाल भूतनाथ जी के दर्शन आप लोग करेंगे। आपका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव। जय हो। जय हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। महादेव महादेव। चंद्रशिला का महत्व क्या है? चंद्रशिला यहाँ की सबसे ऊंची चोटी किम वदंती है। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि राम जी ने रावण को मारने के बाद ब्रह्मत्या दोष निवारण के लिए वहाँ तपस्या की। कुछ लोगों का कहना है चंद्रमा ने अपने दोष निवारण के लिए तपस्या की, लेकिन मैंने जो पढ़ा शास्त्र में वो ये है, चंद्र के तो नाम का एक राजा था, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, उसका कोई क्रियाकर्म नहीं हुआ, उसका पता ही नहीं लगा वो मरा है बचा है। तो उस कौवा उसके मांस के एक टुकड़े को चोंच में इधर ले आए, कहते मांस तो खा गया, हड्डी इस क्षेत्र में गिरी तो उनको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। ये पितृ क्षेत्र चंद्रशिला कहलाता विशेष करके। तो ये शास्त्र का मत है। बाकी वर्तमान में चंद्रशिला एक पिकनिक स्पॉट महाराज जी, ये तो सच्चाई कह दिया आपने। दर्शन क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे मंदिर के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे आना वर्जित है, बाबा की समाधि को भंग किया जाता। तो आज हमारे सभी भाई बंधु लोग, कुछ पिकनिक वाले लोग इस क्षेत्र में इतना आ रहे हैं कपाट बंद होने के बाद, इस क्षेत्र की मर्यादा को ही उन्होंने खंडित कर दिया। बर्फ में 10-12 फीट बर्फ में कौन आदमी आएगा? सही बात है। और कैसे आएगा आप जानते हैं, वाइन को लेकर के, मांस मदिरा को लेकर के इस क्षेत्र में आते हैं और इस तीर्थ की मर्यादा को खंडित करते हैं। तो इसे हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा न करें।
और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करें, तीर्थ की मर्यादाओं का पालन करें। तो ये चंद्रशिला के बारे में मैंने आपको बताया, आपका कल्याण हो। पंचकेदार के बारे में और मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि पंचकेदार की यात्रा बहुत दुर्गम है, सबसे कठिन यात्रा है रुद्रनाथ जी की। 23 किलोमीटर पैदल है वहाँ पर, 23 किलोमीटर, और उसके बाद मध्यमेश्वर की यात्रा बहुत दुर्गम है, 18 किलोमीटर वहाँ पर भी पैदल है। बाबा केदारनाथ में सड़क कुछ अच्छा है, हेलीकॉप्टर है पैसे वालों के लिए, VIP दर्शन है, लेकिन यात्रा वालों के लिए पैदल यात्रा भी अभी सुगम है। और बाबा तुंगनाथ जी की 4 किलोमीटर की यात्रा है, और कल्पेश्वर बाबा में गाड़ी जाती है। तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है, केदार खंड मातम्य में, जो लोग इतनी जगह नहीं जा पाते हैं, संभव नहीं है, केदार और तुंगनाथ जी के यदि दर्शन वो प्राप्त कर लेते हैं तो केदार ज्योतिर्लिंग के पूरे दर्शन की उनको प्राप्ति हो जाती है। तो बोले बाबा तुंगनाथ की जय, बोलो हर हर महादेव, जय हो यमुना मैया की जय हो, हर हर महादेव, भारत माता की जय। अभी हमारे मोदी जी, योगी जी हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे हैं, और हम चाहते हैं सभी लोग उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल महाराज जी, सनातन धर्म जीवित रहेगा। बिल्कुल, हर हर महादेव।